Hey guys, happy Bhai Dooj to all of you and happy Bhai Dooj to my bhai. Happy Bhai Dooj to all of you. तो अभी हम लोगों ने जस्ट ना फोटो शूट किया है भाई दोज किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा व्लॉग में, और मैंने पहना हुआ है ये वाला ड्रेस. हम दोनों ने पहना आज कंट्रास्ट में, मतलब मेरा लाइट पीच, इसका डार्क पीच. हम पीचीज हो रहे हैं, पीचीज और ये भी थोड़ा सा पीचीज हो गई है. और मेरा ना इसका नेक इस डिजाइन का है, और मैं आपको दिखाती हूँ वरुण हो रहे हैं. वरुण क्या हो रहे हैं? पीचीज नहीं हो रहे हैं, वरुण हो रहे हैं लालीज. रेड. तो हम लोगों ने भी फोटो शूट कराया, थोड़ा सा मैं आपको ना फुल ड्रेस दिखाऊंगी अपना भी. और ये ना इसका दुपट्टा है लहरिया वाला, इतना अच्छा लगता है मुझे दुपट्टा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. और अभी हम लोगों ने जस्ट फोटो शूट किया है, और आगे का देखते हैं अभी क्या होता है, क्या प्रोग्राम है भाई दोज का. हाय, फाइनली अभी बज रहे हैं 5, और यार मैंने ना पूरा घर सेट कर लिया, मतलब पूरा चमका दिया घर, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो गया था. और मौसी और मेहुल जा चुके हैं, वो लोग थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे पहले निकल चुके हैं. और मैं आपको ना अपनी ड्रेस दिखाती हूँ पहले एक बार. देखो मैंने ना ये वाला सूट पहना है, और इसका जो नेक है ना मैंने इस तरीके से ना डिजाइन में सिलवाया हुआ है, और यहाँ पे ना इस टाइप से ना पट्टी लगवाई हुई है, और सेम इसका मैंने ऐसे बैक में ही डिजाइन सिलवाया हुआ है, पूरा ना चेन में. तो इसका नेक का ना डिजाइन बहुत डिफरेंट है, ये देखो कुछ इस टाइप से है. और इस पर ना पूरी एम्ब्रॉयडरी टाइप हो रही है, बहुत बारीक वाली हो रही है ना, देखो ना बहुत प्यारा सा वर्क हो रहा है पूरा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत क्लासी कलर है. इसके नीचे मैंने सिलवाया हुआ है ये पैंट, और इसके साथ जो दुपट्टा है ना वो ये वाला है यार, मतलब ये थोड़ा लाइट कलर और दुपट्टा है ना थोड़ा सा डार्क कलर, बहुत प्यारा ना कंट्रास्ट या कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है. मैं फैन बंद करती हूँ एक सेकेंड. हाँ, तो इसका ना कंट्रास्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों का निकल के ना बहुत अच्छा आता है. और इसका जो दुपट्टा है ना उसके जो कॉर्नर्स है वो इस तरीके से है. और मैंने इसके साथ पहने हैं ये वाले इयर रिंग्स. और पता है वैसे मेरे पास ना एक प्लेन वो होता है ना शिफॉन प्लेन जैसे थ्रेड वाले, वो थोड़ा शिमरी टाइप वो भी थे, बट मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट पहनना चाहिए ये वाले पहने हैं इयररिंग्स, क्योंकि मल्टी शेड में है. और इसका नेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास इस टाइप का कोई भी नेक नहीं है, मतलब मेरे पास इवन इस, मतलब यहाँ तक का भी नेक ना बहुत ही कम पहनती हूँ, मेरे को ना ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है. बट मैंने इसे ना शौक में पहनती हूँ उसे कभी कभी, और थोड़ा टाइट भी है ये. बट इसका ये वाला डिजाइन, इसमें ना पाइपिंग लगवाई हुई है मैंने पिंक शेड में, क्योंकि इसका जो दुपट्टा है वो पिंक कलर का है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टाइप का ये सूट. आप लोग प्लीज मुझे बताना यार सूट कैसा लग रहा है, ये देखो अच्छा लग रहा है ना. थोड़ी सी मॉडलिंग कर लेती हूँ ऐसे पहन के, मुझे ना इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है सर, दुपट्टा बहुत कोजी टाइप है. आप चाहो ना इसको ऐसे सिंपल ले सकते हो, मतलब इस तरीके से बहुत पतला दुपट्टा है, फैल रहा है देखो, मतलब देखो ना कितना पतला दुपट्टा है, बहुत पतला दुपट्टा है इसका, बहुत सॉफ्ट कपड़े में तो बहुत अच्छा लगता है. और इसमें ना ये भी अच्छा लगता है, ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के सूट्स में, ये देखो इस पैटर्न पे भी दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है इसका, अच्छा लग रहा है ना इसे ना ऐसे करके. हाँ, इसका इस पैटर्न में भी इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, और पीछे से ये पिंकू तो मैंने इसे 3-4 तरीके से कैसे भी लेती हूँ, जब काम करती हूँ ना तो मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ, और वैसे मैं इसे हमेशा खुले ऐसे, मतलब इस टाइप से अच्छा लगता है, क्योंकि इसका ना नेक का डिजाइन बहुत डिफरेंट है, तो इसका नेक का डिजाइन की वजह से ना आप दुपट्टे को ऐसे नहीं डाल सकते इसमें, ये दुपट्टा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, वरना आपका जो जितना डिजाइन है ना वो सब हट जाएगा. और ये वाला सूट आज मैंने सेकेंड टाइम पहना है, और इससे पहले मैंने पता है 2 साल पहले पहना था ये, और आई एम सो हैप्पी कि मेरे बिल्कुल फिट आया है, मतलब अभी भी कोई लूज नहीं है, टाइट नहीं है, बिल्कुल फिट आया है. इसके साथ मैंने पैंट भी सिलवाया है, इसके साथ पैंट अच्छा था, पता है आपने इसके साथ पिंक कलर की लेगी पहनो, ये वाला पिंक शेड की, वो भी बहुत अच्छी लगेगी. आप ना बिना दुपट्टे के से लेगी कुर्ती बना के भी पहन सकती हो. तो बस यार ये मैंने आज पहना हुआ था आउटफिट अपना, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा यही आउटफिट. और मेकअप मैंने कुछ नहीं किया, हल्का सा ना आईज का बस पिंकी कर लिया है हल्का सा, कुछ मेकअप नहीं किया, ये वाले रिंग्स पहने हुए हैं, दैट्स इट. और हाँ, अभी बच गए हैं 5:15 हो रहे हैं, तो वरुण ना बस तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पापा और यामिनी आने वाले हैं, मतलब वरुण के सिस्टर और वरुण के फादर आने वाले हैं, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट जाते हैं. हाँ, पहले ना हम लोग सोच रहे थे कि यामिनी के लिए कुछ लेकर आते हैं, बट पता है पसंद ही नहीं आया, बिग बाजार में हम लोगों ने देखा पसंद नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया क्या लें. तो देखते हैं अभी हम लोग बाजार जाते हैं, थोड़ा सा कुछ लेकर आते हैं, आप लोग भी चलना, देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं. वो लोग बस आने वाले हैं, मैं आपको घर भी दिखा देती हूँ कितना चमका दिया मैंने, किस हद तक मैंने घर को चमका दिया, देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर पड़ा हुआ, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है यार, ऐसी क्या बात है, ये देखो थोड़े से बस बर्तन करने हैं बाद में करूँगी, बट किचन बिल्कुल साफ है. तो बस ना ये सब हो गया, और मैंने बेडरूम सब चमका दिया. और पता है क्या, ये जो हमने पूजा की थी ना
दिवाली पे ये हम हटाएंगे कल, क्योंकि आज ना थर्ड डे हो गया, तो फिर कल हम इसे हटा देंगे। और यहाँ पे मैंने लाइटिंग अभी हटाई नहीं, लाइटिंग जलाई हुई है ये वाली, और साथ में बेडरूम भी बिल्कुल चमक रहा है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बेडरूम गंदा होगी, देखो। और पता है मैं आपको वाली बेडशीट बताती हूँ, ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मैंने ली थी अलीगढ़ से, मतलब अपने होम टाउन से। और ये ना बेडशीट, ये वाली पिलो कवर्स, और ये वाली जो इसका ब्लैंकेट है ना, ये तीनों का एक वो आया था, मतलब एक कॉम्बो टाइप का आया था। और ये ब्लैंकेट नहीं है, पता फाइबर की रजाई है, बहुत हल्की वाली। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ, ये ना हल्की वाली फाइबर की रजाई है। तो जो ये बेडशीट पे डिजाइन बन रही है ना फ्लावर्स की, देखो इस पर भी बन रही है, ये देखो रजाई पर बन रही है मेरी, ये भी, और भी बहुत सारी जगह बन रही है, बट मैं इसे खोलना नहीं चाह रही अभी। पूरी ना रजाई पर ना फाइबर डिजाइन बन रही है, ये देखो, अच्छा एक सेकेंड, ये बन रही है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब पूरा ना वो है, पूरा एक इसका कॉम्बिनेशन नहीं, एक वो है, ये पूरा एक एक वो है, समझ गए ना यार, वही है। तो ना ये पूरा पिलो कवर्स, बेडशीट और रजाई, तो ये रजाई ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये काफ़ी ज़्यादा वूलन भी है, मतलब बहुत अच्छी खासी वूलन है, क्योंकि फाइबर की है, तो फाइबर की जो रजाई होती है ना, वूलन तो होती है, बहुत लाइट वेटेड और बहुत कोजी कोजी टाइप है, तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल हम इसी को बोल रहे हैं, मैंने ना दिवाली के टाइम से इसी को बिछाया हुआ है, अच्छी भी लगती है, इसका ना कलर भी डिफरेंट है। और उसके साथ पता है क्या, जो हम लोगों ने कर्टेन लगाए हैं वो भी इसी कलर के हैं। और ये देखो पूरा डिजाइन दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो है ना रजाई। बट लेकिन पता है इसमें एक प्रॉब्लम थी, जब ही हम लोगों ने लिया था तब तो बाहर पैकेट तो सही दिखा था। इसका जो एक पिलो कवर है वो ये शेड है, जो ये शेड है, और एक पिलो कवर ना लाइट शेड का है यार, इसमें ना ये शायद फेडेड वो निकला है या कुछ भी है, मतलब एक पिलो इसका लाइट शेड का है, बट लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये मैंने बेड पे बिछाया हुआ है, और हमारी बॉर्डर हो गई ब्राउन, और ये हमारी कर्टेन भी थोड़ा थोड़ा मैचिंग के जा रहे हैं अच्छे से। तो बस ये सब हो रहा है, और मैं अभी चलती हूँ बाहर, पहले चलते हैं मार्केट कुछ लेने के लिए। ये वाला रूम भी दिखाई देती हूँ, इतना कुछ दिखाया है तो। ये देखो इसमें ये कर्टेन अच्छे लग रहे हैं, स्काई ब्लू थोड़ा लुक आ रहा है। और पता है दोपहर में क्या होता है, इस कर्टेन से ना पूरी जो लाइट रहती है ना इस रूम में स्काई ब्लू टोन में रहती है। चलो फिर बाहर चलते हैं, हम जल्दी से वाला मार्केट चलते हैं। बनवाई है और इसे लेके चलते हैं अभी हम लोग घर, क्योंकि ना टाइम हो गया है काफ़ी, और ये काफ़ी हैवी भी लग रही है। मैं आप देखो वरुण तैयार हो गए हैं दौज कराने के लिए, तो ना घर चलते हैं बस अभी। और पता है शाम हो गया, अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट, पता है वेदर चेंज हो रहा है यार, अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। और मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू तो दिखाती हूँ यार, थोड़ा सा नज़ारा देखो, कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी हुई हैं हर जगह, अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं आपको ना कल दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वाला लेट हो रहे हैं, तो हमें ना जल्दी घर जाना है। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पे ना फाउंटेन हर टाइम चलता रहता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्लिप भी हो रहा है बहुत ज़्यादा फर्श, अभी दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखो अच्छा हो रहा है ना, हर टाइम यहाँ फाउंटेन से चलता रहता है ना, तो बड़ा अच्छा व्यू लगता है। चलो अब घर चलते हैं यार, पता है कैसे सारे फेस्टिवल्स निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कैसे टाइम निकल जाता है, जल्दी जल्दी से एक एक दिन एक एक फेस्टिवल पता नहीं चलता। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और मैं ना ये वाली बास्केट बनवा के लाई हूँ। इसमें ना हम लोग लेकर आए हैं जैसे कि एक दो तीन चार चार तो रियल के जूस हैं, दो सेलिब्रेशन के डिब्बे हैं, दो नमकीन के पैकेट हैं, थोड़े से कुछ चिप्स हैं, और पता है क्या है इसमें है, एक लीची का जूस है, एक मैंगो का जूस है। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ है जो हम बनवा के लाए हैं। और ये वाली है ये बास्केट जो वरुण देने वाले हैं गिफ्ट, इसमें ना ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बनी हुई थी, बट उसमें क्या था किंडल जॉय थे, बच्चों की चीज़ें थी बहुत सारी, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, बनवा के लेके आते हैं बास्केट को अपने हिसाब से, जो हमें रखवाना है जो चीज़ नहीं है। तो हम लोगों ने ये बास्केट जो है वो बनवाई है। चलो यार फिर अब बज गए हैं 6, और मैं थोड़ा सा ना क्या कर लेती हूँ, पहले तो इसको अंदर रख देते हैं, और थोड़ा सा ना अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं।
Hey guys, so finally, हम लोग हो गए हैं फ्री, मतलब पापा और यामी जा चुके हैं और अभी जो टाइम हो गया वो क्या 8:52 वो लोग गए थे 8:30 के करीब वो लोग गए थे यहाँ से और अब पापा छोड़ेंगे यामी को उसके पीजी मतलब फ्लैट पे जहाँ वो रहती है, देन फिर वो निकल जाएंगे वापस घर के लिए। और इतना हैक्टिक हो गया ना, मतलब एक होता ना फेस्टिवल 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 और 3-4 दिन कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। पहले दिन तो छोटी दिवाली पे तो हमारी पूरा क्लीनिंग रहेगा, फिर सेकंड डे दिवाली है, इतनी डेकोरेशन प्रिपरेशन खाना ये वो, पूरा दिवाली निकल गया। कल गोवर्धन भी ऐसे निकल गया, आज भाई दूज भी निकल गया, मतलब कल से बैक टू वर्क, सबके ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया, पूरा एक वेकेशन दा निकल गया। मतलब पूरे ना साल एक वो रहता है कि दिवाली वाला जो टाइम आता है ना, आपको बहुत अच्छा वेकेशन मिलता है, गेट टुगेदर होता है और मतलब कितना एक फेस्टिव टाइप पूरा एटमोसफियर हो जाता है। इतने सारे बैक टू बैक फेस्टिवल्स आते हैं, बैक टू बैक फेस्टिवल्स वो पूरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर दिवाली आएगी और मतलब निकल गई पूरी दिवाली, पता नहीं चलता टाइम कैसे निकलता है। सारा वो हो गया, कल से ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, सब बैक टू वर्क पे लग जाएंगे। खैर यूट्यूब का काम तो कभी बंद होते ही नहीं है, हमारा तो वर्क चल ही रहा था बट अब सबके ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे, कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के। यार कितना फेस्टिवल पूरा टाइम निकल गया और बहुत थकान हो गई। कल तो पता है पूरा थकान हटाने में ही जाएगा बिल्कुल, कल रेस्ट रहेगा, उसके बाद ना मुझे मशीन भी लगानी है, बहुत सारे काम करने हैं। बट चलो हो गया दिवाली का, अब आएगा क्रिसमस, तो लेट्स सी क्रिसमस पे क्या होता है। देन न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, चलता रहता है ना फेस्टिव सीजन, अच्छा लगता है, तैयार होते हैं, सबसे मिलते हैं, ये सब होता है, अच्छा लगता है, फेस्टिव वाला पूरा माहौल हो जाता है। और पता है यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है ना पूरे में, लाइट्स लाइट्स लाइट्स। और पता है क्या, मैं आपको बहुत सी एक सीरियस चीज़ बताती हूँ, हम लोग ना 18th फ्लोर पर रहते हैं तो हमारे यहाँ से आप लोगों ने हमेशा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, दिखता है कितना सही वाला। इस टाइम इतना ज़्यादा पोल्यूशन है ना, इतना ज़्यादा पटाखों की वजह से, जितने क्रैकर्स होते हैं ना, हम लोग नीचे रहते हैं हमें पता नहीं चलता है, बट हम लोग यहाँ पर ना कुछ नहीं दिख रहा है, लिटरली हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, पूरा ना फॉगी फॉगी हो गया है। बट वो फॉग नहीं है, वो स्मोक है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। आपको यहाँ पे आप नीचे जा रहे हो ना रोड पे तो इचिंग हो रही है, आईज़ में इचिंग हो रही है, फेस पे इचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार। तो मतलब सीरियसली नो टू क्रैकर्स, बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप क्रैकर्स, जबकि यहाँ पे इतना क्रैकर नहीं चलाया गया है बट फिर भी यहाँ का बहुत गंदा इस टाइम वो है यार। अभी पूरा एक हफ्ता NCR ऐसे रहने वाला है, इतना पोल्यूशन है, हमें यहाँ पे ना सब लोग मास्क पहन के रहने वाले हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको पता है कि आप खुद को ही हार्म कर रहे हो कहीं ना कहीं चीज़ों से, आप पहले पैसा वेस्ट कर रहे हो उसमें, फिर वो चीज़ आपके लिए ही हार्मफुल है कहीं ना कहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्रैकर्स हैं ठीक है, एक दो चीज़ें जैसे कि आप फूल जड़ी चला सकते हैं बच्चों के, एक शगुन होता है दिवाली है, फूल जड़ी चला सकते हो, अनार चला सकते हो 2-4, बट इतना नहीं करना चाहिए यार कि आपको ही कल को वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब पूरा एक हफ्ता ना पूरा NCR मास्क लगा के घूमने वाला है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो और फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत गंदा स्टैम माहौल होगा, मतलब एटमोसफियर हो रहा है। मैं आपको ना कल दिन का व्लॉग कल दिन में दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा स्मोक है ना, आपको ना सामने की बिल्डिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, आपको सामने नीचे घर नज़र नहीं आना है, पूरे में ना एक होता है मतलब धुंध टाइप है, फॉगी जैसा हो जाता है ना वो चीज़ है, बहुत इस टाइम गंदा वो हो रहा है ट्रैकर्स की वजह से ही, सीरियसली बहुत। आप अपने एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं इस चीज़ से, क्या है वो सब तो सबका अपना अपना वो है बट स्टिल बहुत बेकार चीज़ है ये। और सब लोगों की दिवाली कैसी रही यार मुझे ना कमेंट करके बताना ना। और मेरा पता है कल का ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं हुआ है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला सुबह से, भाई दोस्त वाले दिन ऐसे पूरा सब लोग आते थे, कोई आता रहा। अभी तो हमें ना एक दो जगह मिलने भी जाना है, मतलब नेबर्स में उनके घर जाना, और ये सूट अब मुझे ना वो हो रहा है, ये ऐसे फंस रहा है, मैं बस चेंज करने जाती हूँ और मेकअप भी रिमूव करती हूँ और ये वाले ईयरिंग्स भी। पता ना ईयरिंग्स कैसे लगे आप लोगों को यार, पता है मैंने अपना ईयरिंग्स कलेक्शन आपके साथ शेयर किया है, मैं आप उसका ना लिंक आपको डाल दूँगी, ये उल्टा था उस वीडियो का ना लिंक दूँगी, ओ शिट गिर गया, उस वीडियो का ना लिंक डाल दूँगी तो आप एक बार चेक करना। मुझे ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ईयरिंग्स पहनना मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा है ना, मल्टी शेड में आप किसी के ड्रेस के साथ पहन सकते हो, मतलब इसे ना वन पीस के साथ भी पहन सकते हैं आप, इसे ना इंडियन वेयर के साथ भी पहन सकते हो, किसी के साथ भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और मल्टी कलर कलर भी ना बहुत ब्राइट है, येलो ग्रीन ब्लू रेड ब्राइट ब्राइट कलर है, बड़ा अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले इयररिंग्स एकदम। और ये जो है ना ये ऊन का है, पतली पतली ऊन है यहाँ पे,
कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे थे? नहीं सर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाली रिंग्स और बहुत कम पहनने में आते हैं। ये वाला सूट मैंने सेकंड टाइम पहना है, जैसे कि मैंने बताया इसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब इसका कौन सा शेड, ये कौन सा शेड कहा जाएगा यार? ये ना, एक तो पहली बात तो ये सिल्क में है, तो सिल्क में ना थोड़ा शाइन करता है और थोड़ा सा ना चेंज होता है, मतलब ऐसे ऐसे करने में ना हल्का इसका शेड चेंज होता है। ये पिंक टोन भी है, लाइट पिंक टोन है, पीच कलर है, जो ये थ्रेड्स है ना वो पीच कलर का, लाइट पिंक कलर का और इस टाइप के है। अच्छा लगता है इसका मुझे। इसका नेक का डिजाइन भी कैसा लगता है आप ये भी जरूर बताना। अच्छा लगता है ना इसका नेक का डिजाइन, पीछे भी ऐसे ही आगे भी ऐसे ही है। तो बस ऐसे हमारा तो पूरा दिन चला गया। आप लोग बताना आपका दिन कैसा रहा, क्या क्या किया भाई दोस्त पे, क्या क्या गिफ्ट मिले भाई दोस्त पे, जरूर बताना। चलो फिर इस वाले ब्लॉग को ना खत्म करते हैं यार, और कल से अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन फॉलो अप करने वाले हैं। सुबह उठना है, मशीन लगानी है, घर का काम करना है, खाना बनाना है, नॉर्मल लाइफ हो गई स्टार्ट। फेस्टिवल जो वो है पूरा गया और नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई। क्या हो गया हम? चलो फिर वो यार, टीका फैल गया ना। चलो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल एक नॉर्मल रूटीन के साथ। और हाँ, मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूँ। अगर आप लोगों को मेरा हेयर केयर रूटीन देखना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट देके नीचे बताना, तो मैं ना जल्दी आपके साथ अपना हेयर केयर का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और बेल भी प्रेस कर देना यार, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे वीडियो अपलोड हुआ है। बेल प्रेस कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।